हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन geometryschool.in. स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे बैच में जिसका नाम है जीरो टू हीरो बैच, जहां मैं आपको कराती हूं हमारे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फोर्थ सिक्स क्लास एंड नाइन्थ क्लास एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाते हैं. तो चलिए देखते हैं आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है हमारे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम फॉर सिक्स क्लास. आज हम जो क्वेश्चंस यहाँ जनरल नॉलेज जनरल साइंस से डिस्कस करेंगे वो है हमारे सैनिक स्कूल के लिए फॉर सिक्स क्लास. तो देखते हैं हमारा आज का टॉपिक. जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डाइजेशन. यहाँ पर डाइजेशन जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन साइंस एज वेल. डाइजेशन की हम बात करें तो इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स. जो भी आप फूड मॉलिक्यूल इनटेक करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी, द ब्रेक डाउन ऑफ दैट फूड इनसाइड द बॉडी इज नोन एज डाइजेशन. क्योंकि जो हमें एनर्जी मिलेगी फूड से वो मिलेगी जो भी हम इनसॉल्युबल फॉर्म सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स फूड इनटेक करते हैं उसे ब्रेक डाउन होना होता है सब सिंपलर सब्सटेंसेस में. वही सिंपलर सब्सटेंसेस बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. तो चलिए देखते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द डाइजेशन. तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स जो इन्हें बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उन इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल इज नोन एज डाइजेशन. प्रोसेस यहां पर क्या हुआ कि जो भी आप इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटेक करते हैं वो सब किसी एंजाइम्स किसी केमिकल्स के द्वारा सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन किए जाते हैं, उन्हें उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन. जैसे आप फूड में इनटेक करते हैं द कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स विटामिंस प्रोटीन्स, तो आप इन सब की बहुत ही कॉम्प्लेक्स हम जो स्ट्रक्चर इनटेक करते हैं वो उन सब को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होना होता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स. तो द प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन. ओके स्टूडेंट, सी नेक्स्ट. द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द प्रोसेस इज कम्प्लीटली अकर्ड विन द डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारी बॉडी में एक एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं, जो स्टार्ट होती है हमारे माउथ से लेके और मूव करती है अप टू द एनस. ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड होती है एट द एनस, जहाँ से फिर हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है. तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. टू पार्ट्स होते हैं जो यहाँ पर डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. फर्स्ट वन इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड सेकेंड वन इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो अगर हम ट्रैक्ट की बात करें तो ये माउथ से स्टार्ट होके जाती है, फिर इसी के बाद ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एड्स एट द एनस, और ये एंड होती है कहां जाकर, एनस पर. तो ये हमारी होती है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और इन्हीं ट्रैक्ट में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है. बट जो हमें सर्टेन केमिकल्स की नीड होती है, एंजाइम्स की नीड होती है, वो आते हैं हमारे इन ग्लैंड से. जैसे कि लीवर हमारी यहाँ पर ग्लैंड है, पैंक्रियास की हम बात करें, गॉल ब्लैडर की हम बात करें, तो दीज आर द एसेसरी ग्लैंड्स जो हेल्प करती हैं किसमें, फॉर गिविंग इट द सिक्रीशन टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ये कुछ सिक्रीशन कुछ केमिकल प्रोवाइड करती हैं जिससे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सारा अपना जो फूड है उसको क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके. तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ टू पार्ट्स में डिवाइड होता है. स्टूडेंट, अगर ये आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंसेप्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही हमारी ज्योमेट्री ऐप डाउनलोड करें, जिसमें ये एंट्रेंस एग्जाम ऐप की तैयारी जो इस ऐप के थ्रू हम तैयारी कराते हैं, आपको ये कंप्लीट डाइजेशन की वीडियो की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन से पार्ट होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सा अपना सिक्रीशन प्रोवाइड करती है, स्टमक के बारे में, ईसोफेगस, अगर आपको कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए तो आज ये आप हमारी ज्योमेट्री ऐप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसमें आपको ये कंसेप्ट वीडियोस की जितना भी आपके टॉपिक है उसकी कंसेप्ट वाइज वीडियो मिलेगी, साथ ही टॉपिक वाइज क्विज, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूंगी जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, जो हमने चैप्टर के अकॉर्डिंग खुद बनाए हैं, वो सारे आपको 40-50 क्वेश्चंस एक टॉपिक से वहां पर मिलेंगे. साथ ही आपको मिक्स क्विजेज यहाँ पर मिलेंगी, सब टॉपिक से उठाए हुए कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर ऐड किए हैं. इसी के साथ जो प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स है वो आप यहाँ से डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं. साथ ही जब आप हमारा ये ज्योमेट्री ऐप वहाँ
परचेज करेंगे डाउनलोड करने के बाद कंप्लीट कोर्स पैकेज के लिए, तो आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाएगा, जिसमें आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगा लाइक अ टाइम टेबल, जैसा आपका स्कूल में टाइम टेबल होता है, उस टाइम टेबल पर आपको वीडियो का लिंक शेयर किया जाएगा, और साथ ही कि आज आप ये टॉपिक तैयार कर सकते हैं, इसके क्विज को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आप एक बिल्कुल करेक्ट मैनर में अपने सिलेबस को टाइम रहते कंप्लीट कर पाएंगे। और जिन स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, तो वो हमारा पेन ड्राइव कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, इसके अंदर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। तो स्टूडेंट आज ही ऐप डाउनलोड करिए और अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए ट्राई कीजिए। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे कि आज हम कौन सी वीडियो है, किस टॉपिक के क्वेश्चन में आपको कराने वाली हूँ। और यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम रहते मिल सके। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द डाइजेशन। और अगर आपको लगता है कि डाइजेशन अभी आपको क्लियर नहीं है, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके वहां से कंप्लीट कोर्स में वीडियो को परचेज करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो डाइजेशन से मैंने आज लिए हैं। डाइजेशन स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ, जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है वो किस प्रोसेस, किस स्टेप से स्टार्ट होता है। हमारे डाइजेशन में बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। तो डाइजेशन प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले कौन सा स्टेप आता है? अगर आपको फूड को डाइजेस्ट कराना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फूड को अपनी बक्कल कैविटी में इंटेक करना होगा, बॉडी के अंदर आपको उसको लेके जाना होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स? इंजेशन, फूड का इंटेक करना इनटू द बक्कल कैविटी। तो चलिए देखिए, यहाँ पर इंजेशन हमारा लास्ट ऑप्शन है। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, ये सब बाद के स्टेप है, लेकिन सबसे पहले आपको फूड को इंटेक करना होगा। तो दिस इज द इंटेक ऑफ फूड इनटू द बक्कल कैविटी। तो करेक्ट आंसर इज डी। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आप अपनी ओएमआर शीट में इस तरह से इसको एनसर्कल करेंगे। देखिए, करेक्ट आंसर इज डी। द फर्स्ट स्टेप इन डाइजेशन इज इनटेक ऑफ फूड इनटू द माउथ एंड द प्रोसेस इज नोन एज इनजेशन। अगर आप अपने फूड को डाइजेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बक्कल कैविटी में फूड को इनटेक करना होगा। तो वही फूड को इनटेक करने का प्रोसेस कहलाता है इनजेशन, फूड को बॉडी के अंदर लेके जाना। ओके स्टूडेंट, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the largest gland in the human body? अभी हमने बात करी थी कि digestive tract के साथ हमारी body में कुछ digestive glands भी होती हैं। Glands basically students क्या होती हैं? जो कुछ secretions provide करती हैं, कुछ chemicals secrete करती है हमारे blood में या particular किसी duct में। तो हमारी body में कुछ यहाँ पर digestive glands पाई जाती हैं। तो उनमें से सबसे बड़ी gland कौन सी है? ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन या सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड्स, लंग्स, लीवर, स्टमक। स्टूडेंट, अगर आपको यहाँ पर ऑर्गन्स की नॉलेज है पहले से ही, तो आप यहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि लंग्स और स्टमक क्या है? कोई ग्लैंड नहीं है, दीज आर द इंटरनल ऑर्गन्स। ये अपना जो सिक्रीशन है किसी के उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं। स्टमक कुछ अपने सिक्रीशन करता है, बट अपने लिए ही। लंग्स कोई सिक्रीशन नहीं करते हैं, ये रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड हमारी ग्लैंड्स होती हैं, जो सलाइवा सिक्रीट करती है हमारे माउथ में, इधर पाई जाती हैं। बट ये क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं है। सो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2020 में भी पूछा गया है कि विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन और विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन साइड आर बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो लीवर इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी द एक्सप्लेनेशन। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड और इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। इट्स सीक्रेट केमिकल दैट आर यूज बाय अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लीवर अपने कुछ केमिकल सीक्रेट करता है, जैसे बाइल जूस। लीवर सीक्रेट करता है बाइल, जो हेल्प करता है किसमें? फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। जो भी हम फैट मॉलिक्यूल्स इनटेक करते हैं, बटर, घी, इस तरह की चीजों का डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल। और बाइल कहाँ से सीक्रेट होता है? लीवर से। तो दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन साइड आर बॉडी। सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड। द डैश कवर द टंग एंड रिएक्ट टू केमिकल्स इन फूड। हमारी टंग्स पर क्या पाए जाते हैं, जो फिर फूड के साथ यहाँ पर क्या होते हैं? रिएक्ट करते हैं। उन केमिकल, जो फूड के अंदर केमिकल होता है, उनके साथ रिएक्ट करते हैं और फूड को डाइजेस्टेबल बनाते हैं, कि अब उसे बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर सके, डाइजेशन उसका करते हैं। तो टंग के ऊपर, हमारी जीभ के ऊपर क्या पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन स्टूडेंट लास्ट ईयर ही आया है, जो 2021 का एग्जाम हुआ था, ये उसमें पूछा गया है, जनवरी में जो एग्जाम हुआ था। तो
तो टेस्ट बर्ड स्पिंक्टर्स मसल, टीथ स्किन, तो टंग पर हमारे टीथ नहीं होती, स्किन नहीं होती। स्पिंक्टर्स की हम बात करें तो ये मसल्स हमारे फूड के मूवमेंट जब होता है बकल कैविटी से आगे इसोफेगस में, ये वहां पाई जाती हैं। तो हमारी टंग के ऊपर क्या पाई जाती हैं, टेस्ट बर्ड्स, जिनसे हमें टेस्ट मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं टंग इज अ सेंस ऑर्गन दैट हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द टेस्ट ऑफ द फूड आइटम, जिससे हम टेस्ट का पता लगाते हैं। तो टंग के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, टाइनी टाइनी बम्स होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें टेस्ट बर्ड कहा जाता है। तो देखते हैं जरा इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट आंसर इज ए, टेस्ट बर्ड्स आर द सेंसरी ऑर्गन, गस्टेटरी ऑर्गन। बेसिकली स्टूडेंट, जो हमारे टंग पे जो ये छोटी छोटी बर्ड्स होती है, इसके अंदर ही वो सेंस ऑर्गन होते हैं, जिन्हें हम गस्टेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं, जिनसे हमें सेंस होता है किसका, टेस्ट का, कि इस चीज फूड आइटम का टेस्ट कैसा है। तो देखिए, दैट आर फाउंड ऑन द टंग, ये टंग पर पाए जाते हैं, दैट अलाउ एक्सपीरियंस अबाउट द टेस्ट लाइक स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर। जो हमारे टंग पर टेस्ट होते हैं, स्वीट, सोर, सोल्टी, फ्रंट पेन, इस तरह से स्वीट, देन सोर, बिटर, ये जो टेस्ट होते हैं हमारे टंग पे, ये हमें पता चलता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज टाइनी बम्स दैट आर नोन एज टेस्ट बर्ड, क्योंकि इन्हीं के ऊपर वो गस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं, जिनसे जो भी सेंस ऑर्गन वर्क करते हैं उनके ऊपर एक रिसेप्टर होता है, जो भी सिग्नल उन्हें मिलता है तो वहीं पर उसी का रिसेप्टर होता है, वो पता लगा पाते हैं कि ये कौन सा टेस्ट हमें इसमें आ रहा है, नमकीन आ रहा है, मीठा आ रहा है। तो इसीलिए टंग के ऊपर क्या होती है, स्मॉल टेस्ट बर्ड होती है, जिनके ऊपर फिर ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से स्टार्ट होती है और एंड होती है जाकर कहां, एनस पर। तो इसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहा जाता है। तो इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी होती है, ये कितने मीटर्स की होती है, तो जो करेक्ट हमारा ऑप्शन है वो है 6 to 9 meters तक। एडल्ट, इसमें चाइल्ड से लेकर एडल्ट तक की हम बात करें तो इसकी लेंथ होती है अप टू 9 meters तक। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस। स्मॉल इंटेस्टाइन ही अबाउट 7 meters तक होती है। तो ये कंप्लीट इसकी जो लेंथ है एलिमेंट्री कैनाल की वो है 6 to 9 meters। तो करेक्ट आंसर इज डी, द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज 6 to 9 meters लॉन्ग। कितनी लॉन्ग होती है, 6 to 9 meters, अप्रोक्स 30 feet तक ही होती है। इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस, और खत्म कहां पर होती है, एनस पर। माउथ से स्टार्ट होके ये जाती है अप टू एनस तक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इज इन आवर बॉडी इज नोन एज। कंप्लीट टॉपिक कवर करने के बाद ये आंसर हम इजीली कर सकते हैं कि जो प्रोसेस है इनटेक ऑफ फूड और उसका ब्रेक डाउन होना इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, वो क्या कहलाता है, डाइजेशन। तो वो प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन। ये आप पढ़ भी चुके हैं जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ इनसॉल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द सॉल्यूबल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन। तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है डाइजेशन, कि जो हम कोई भी इनसॉल्यूबल फूड मॉलिक्यूल इनटेक करते हैं वो क्या कहलाता है, डाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी। देखिए ये क्वेश्चन बच्चों आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है, इसका आप आंसर ढूंढेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर शेयर करेंगे। द एंजाइम फाउंड इन द सलाइवा इज, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती है, हमारे जो माउथ में सलाइवा होता है जो फूड के साथ रिएक्ट करता है, उसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो हमारे स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। तो इनमें से पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या ऑल ऑफ दीज, इनमें से कौन सा एंजाइम हमारे सलाइवा में पाया जाता है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप ये क्वेश्चन यहाँ पर कर सकें। तो चलिए देख रहे हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कौन, आई कांट डू इट। क्या इसमें क्या है कि क्या क्या है, हम सब जो एक बार ठान लेते हैं वो सब कुछ कर ले सकते हैं। तो हमारी लाइफ से कांट को हटा के क्या कर देना चाहिए, आई कैन डू इट, मैं भी ये कर सकता हूँ, क्योंकि हर कोई अपनी मेहनत लगन से कुछ भी अचीव कर सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको किसी भी तरह का हमें फीडबैक देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं कि आप किस तरह का वीडियो को इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। किसी भी तरह का कोई इश्यू है तो आप इन नंबर्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऐप के रिगार्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।